इस वीडियो में हम लोग सिंक्रोनस मोटर के कंस्ट्रक्शन एंड इसके वर्किंग को समझेंगे एसी मशीन में यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है सो so, हम लोग देखेंगे किस तरह से एक सिंक्रोनस मोटर कंटिन्यू सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करती है उस टाइप की मोटर जो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करती है उसको सिंक्रोनस मोटर बोलते हैं इसका यूज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है सिंक्रोनस मोटर थ्री फेज एसी सप्लाई से ऑपरेट होती है एंड सेल्फ स्टार्टेड मोटर नहीं होती है सिंक्रोनस मोटर में अस्टेटर एंड रोटर दो मेन पार्ट होता है मोटर का जो स्टेशनरी पार्ट होता है उसको अस्टेटर बोलते हैं अस्टेटर के इनर पोर्शन पर स्लॉट्स बना हुआ रहता है जहाँ पे थ्री फेज आर्मेचर वाइंडिंग प्लेस्ट रहता है स्टेटर कोर हाई परमेबिलिटी मटेरियल का बना हुआ रहता है एंड लेमिनेटेड रहता है टू रिड्यूस द इलेक्ट्रिकल लो एंड प्रोवाइड लो रिलेक्टेंस पाथ टू द मैग्नेटिक फीड लाइन्स सिंक्रोनस मोटर में सेलियंट पोल रोटर का यूज किया जाता है जहाँ पे फील्ड वाइंडिंग प्लेस रहता है यूजअली इन सिंक्रोनस मशीन वी कैन यूज़ टू टाइप्स ऑफ रोटर सेलियंट पोल रोटर एंड नन सैलियट पोल रोटर वाइंडिंग के लिए हम लोग कॉपर का यूज करते हैं ड्यू टू इट्स हाई कंडक्टिंग प्रॉपर्टी सेलियंट पोल रोटर में सेलियंट का मीनिंग होता है जो पोल्स है वो आर्मेचर वाइंडिंग की ओर प्रोजेक्टेड रहता है इसके आउटर फ्रेम को बनाने के लिए कास्ट आयरन का यूज करते हैं सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग में थ्री फेज एसी सप्लाई देते हैं तो थ्री फेज वाइंडिंग के कारण स्टेटर एंड रोटर गैप के बीच में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जो कि सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है जिसका इक्वेशन होता है एन एस इज इक्वल टू वन ट्वेंटी एफ अपॉन पी वेयर एन एस इज सिंक्रोनस स्पीड एफ इज द फ्रीक्वेंसी एंड पी इज द नंबर ऑफ पोल एज वी नो ए सी करेंट में फ्रीक्वेंसी होती है सो so करेंट के अल्टरनेटिंग नेचर के कारण रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का पोलारिटी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा अगर सप्लाई करेंट का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो इसका मतलब है वन सेकेंड में जो फील्ड पोलारिटी है वो 50 टाइम चेंज होगा टू कंप्लीट वन साइकल एंड रोटर पर प्लेस्ड फील्ड वाइंडिंग के क्रॉस डीसी एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं सिंस डीसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी नहीं होता है जिसके कारण रोटर पर कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा सिंक्रोनस मोटर में स्टेटर एंड रोटर एट बोथ प्लेस हम लोग सप्लाई देते हैं इसलिए सिंक्रोनस मोटर को डबली एक्साइटेड मोटर भी बोला जाता है सपोज एट एन इंस्टेंट अस्टेटर फील्ड पोलरिटी कुछ इस तरह से है अस्टेटर का नॉर्थ पोल रोटर के साउथ पोल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है एंड ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल स्टेटर फील्ड पोलरिटी चेंज हो जाता है अब स्टेटर पर साउथ पोल डेवलप हो जाता है लेकिन रोटर का पोलरिटी चेंज नहीं होगा ड्यू टू एक्साइटेशन तो जो स्टेटर पर डेवलप साउथ पोल है वो रोटर के साउथ पोल को रिपेल करेगा तो इस कंडीशन में जो रोटर है वो रोटेट नहीं करेगा वो एक ही प्लेस पे पलसेट होते रहेगा दैट्स वाई सिंक्रोनस मोटर एक सेल्फ स्टार्टेड मोटर नहीं होती है इसको स्टार्ट करने के लिए एक एक्सटर्नल प्राइम मूवर का हेल्प लेना पड़ता है एज अ प्राइम मूवर अ स्मॉल इंडक्शन मोटर और डीसी मोटर के साफ्ट को सिंक्रोनस मोटर के साफ्ट से कपल्ड कर देते हैं एंड सिंक्रोनस मोटर के रोटर को सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कराते हैं मतलब इक्वल स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब रोटर का स्पीड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के स्पीड के इक्वल हो जाता है तो स्टेटर एंड रोटर का नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट सो स्टेटर एंड रोटर का जो ऑपोजिट पोलरिटी है उसका आपस में इंटरलॉकिंग हो जाता है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एक दूसरे से इंटरलॉक हो जाता है आफ्टर इंटरलॉकिंग प्राइम मूवर को साफ्ट से अलग कर देते हैं एंड जो रोटर है वो कंटिन्यू रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करने लगता है इस तरह से एक सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करती है इसके मेन फीचर्स को अगर हम लोग देखें तो जो सिंक्रोनस मोटर है इसका स्पीड लोड वेरिएशन पे डिपेंड नहीं रहता है मतलब लोड को बेरी करने पर जो स्पीड है वो चेंज नहीं होगा सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टेड मोटर नहीं होती है इसको स्टार्ट करने के लिए एक्सटर्नल प्राइम मूवर का हेल्प लेना पड़ता है सिंक्रोनस मोटर लैगिंग एंड लीडिंग बोथ पावर फैक्टर पर ऑपरेट हो सकता है इसके एडवांटेजेस को अगर हम लोग देखें तो जो सिंक्रोनस मोटर है वो कॉन्स्टेंट स्पीड से रोटेट करती है फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड इसके एक्साइटेशन को चेंज करके इसके पावर फैक्टर को इजीली कंट्रोल किया जा सकता है सिंक्रोनस मोटर का जो टॉर्क है वो इंडक्शन मोटर से ज़्यादा होता है एक सिंगल सिंक्रोनस मोटर का यूज लोड को ड्राइव करने के लिए एंड एज वेल एज पावर फैक्टर को कॉरेक्ट करने के लिए पावर प्लांट में किया जाता है फॉर लोअर स्पीड अप्लीकेशन सिंक्रोनस मोटर ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है कंपेयर टू इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क हाई रहता है कंपेयर टू इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टेड मोटर नहीं होती है इसके रोटर पे प्लेस्ट वाइंडिंग में डीसी एक्साइटेशन प्रोवाइड करना पड़ता है सिंक्रोनस मोटर का जो कंस्ट्रक्शन है वो मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है कम्पेयर टू इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस मोटर को ऑपरेट करना कॉस्टली होता है कंपेयर टू इंडक्शन मोटर तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें